हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जानेंगे केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन बाय यूजिंग रिएजेंट स्ट्रिप। स्ट्रिप के मेथड से कैसे स्ट्रिप को यूज़ करके हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन करेंगे यूरिन का, तो इसके लिए इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जानेंगे। रिएजेंट स्ट्रिप आर क्लियर प्लास्टिक स्ट्रिप। डिफरेंट रिएजेंट एरियाज आर फिक्स्ड ऑन द स्ट्रिप। दिस डिफरेंट सेलुलोज आर areas are impregnated with the specific testing chemicals according to the test। क्या है introduction? Introduction है कि reagent strip जो होता है मेरा क्या है, clear plastic strip है। ये जो होता है क्या होता है, plastic strip होता है। और different reagent areas are affixed। क्या होता है कि different test area होता है उस plastic strip पे जो कि fixed किया हुआ होता है किसके। दिस डिफरेंट सेलुलोज एरियाज आर इम्प्रेगनेटेड विथ द स्पेसिफिक टेस्टिंग। ये क्या करता है, जो भी स्पेसिफिक टेस्टिंग है उस केमिकल के अकॉर्डिंग वो फिक्स्ड किया हुआ होता है उस स्ट्रिप पे। ये इसका इंट्रोडक्शन क्लियर। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग आज जानेंगे, आज का हमारा टॉपिक है क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन। आज हम लोग प्रोटीन करेंगे स्ट्रिप के मेथड से, तो इसके लिए प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है, दिस टेस्ट areas is impregnated with tetrabromophenol blue buffered to an acid pH. This areas is yellow in the absence of protein, but at the same pH changed to a shade of green to blue in the presence of protein. The change in the test area depend upon the concentration of protein. Principle क्या कहता है, principle है कि the test area जो है impregnated with होता है कैसे, tetrabromophenol के से क्या होता है, impregnated होता है जो कि blue buffered होता है, clear? And acid pH, और इसका pH जो होता है ये acid pH होता है। This area क्या होता है, ये जो इस प्रोटीन का जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, येल्लो कलर का, येल्लो कलर का होता है जो कि अब्सेंस ऑफ प्रोटीन होता है। बट क्या है, बट सेम पीएच चेंज, ये चेंज करेगा सेड टू ग्रीन, क्या होगा, ग्रीन से ब्लू कलर तक ये चेंज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन अगर प्रेजेंस होगा तो क्या होगा, ग्रीन से ब्लू कलर में ये चेंज होगा किस पे, द चेंज क्या बोलता है कि द चेंज इन द टेस्ट एरिया डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। ये जो एरिया चेंज होगा, येलो एरिया जो है हमारा स्ट्रिप का, वो क्या चेंज डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड करेगा हमारा कि ग्रीन से ब्लू कलर में किस कलर में वो आएगा। ये इसका प्रिंसिपल है। एंड नेक्स्ट आगे जानेंगे रिक्वायरमेंट, इस टेस्ट को करने के लिए क्या सब चाहिए होगा। तो आगे हमारा है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में क्या है, फर्स्ट है हमारा अनसेंट्रीफ्यूज यूरिन, एंड नेक्स्ट है रिएजेंट स्ट्रिप, एंड नेक्स्ट है क्रॉसपॉन्डिंग कलर चार्ट। क्रॉसपॉन्डिंग कलर चार्ट, ये टोटल हमारा क्या हुआ, रिक्वायरमेंट्स हुआ इस टेस्ट को करने के लिए। तो इस टेस्ट को करने के लिए प्रोसीड्योर क्या है, फर्स्ट हम लोग जानेंगे प्रोसीड्योर में क्या है। फर्स्ट, डीप द टेस्ट एरिया ऑफ द स्ट्रिप इन द यूरिन स्पेसिमेन, फ्रेश मिक्स वेल मिक्स्ड एंड अनसेंट्रीफ्यूज्ड। क्या कहता है, पहला कि डिप द टेस्ट एरिया, जो मेरा एरिया होगा टेस्ट एरिया स्ट्रिप का जिस पर वो हमारा क्या है केमिकल इम्प्रिग्नेटेड किया हुआ होगा, उसे हम क्या करेंगे, डिप करेंगे यूरिन स्पेसिमेन में, जो कि हमारा स्पेसिमेन कैसा होगा, फ्रेश होगा, मिक्स वेल, अच्छे से मिक्स किया होगा और अनसेंट्रीफ्यूज होगा, जो कि हम उसे बिना सेंट्रीफ्यूज किए हुए लेंगे। एंड नेक्स्ट क्या है, रिमूव एक्सेस ऑफ यूरिन बाय द टॉपिंग ऑफ टॉपिंग द एड्स ऑफ द स्ट्रिप अगेंस्ट द कंटेनर। एंड नेक्स्ट क्या करना हमें, नेक्स्ट है रिमूव एक्सेस यूरिन, जो डिप करेंगे और उसके बाद जो उस पर हमारा स्ट्रिप पे जो है प्लास्टिक स्ट्रिप पे वो एक्सेस यूरिन होगा, उसे हम रिमूव करेंगे कैसे, टॉपिंग द एज ऑफ स्ट्रिप अगेंस्ट द कंटेनर। कंटेनर जो हमारा होगा उस कंटेनर के ऊपर वाला जो भाग होगा उसके इससे क्या करेंगे, हम उसे रिमूव करेंगे। एंड नेक्स्ट है कंपेयर द टेस्ट एरिया क्लोजली विथ क्रॉसपॉन्डिंग कलर चार्ट ऑन द बोतल।
एंड नेक्स्ट करेंगे कंपेयर करेंगे किससे, टेस्ट एरिया को क्लोजली कंपेयर, जो चार्ट बॉक्स होगा हमारा कलर बॉक्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग कलर चार्ट जो होगा उस बॉटल से हम क्या करेंगे उसे कंपेयर करेंगे। एंड नेक्स्ट है नोट द फाइंडिंग इन अ नोटबुक, और क्या करना है हमें नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमें क्या करना कि नोट करेंगे फाइंडिंग, जो हमें फाइंडिंग मिलेगा उसे हम नोट करेंगे कैसे। ये हमारा कलर चार्ट बॉक्स है, ये कॉरस्पॉन्डिंग कलर चार्ट जो आप देख रहे हैं ऑन बॉटल, यही हमारा क्या है कॉरस्पॉन्डिंग कलर चार्ट है जो कि ये बॉटल पे होता है। एंड नेक्स्ट ये हमारा स्ट्रिप होता है, यही हमारा रिएजेंट स्ट्रिप है जो कि ये मल्टी स्ट्रिप है, इस पे हम लोग अभी सिर्फ प्रोटीन का बात कर रहे हैं बट ऑल टेस्ट ऐसे ही होना है, डिप मेथड से करेंगे और स्ट्रिप मेथड से, ये मल्टी डिस्क स्ट्रिप है। एंड नेक्स्ट ये क्या है हमारा प्रोटीन, जो हम बताए कि येल्लो कलर होता है, ये फर्स्ट हमारा येल्लो कलर प्रोटीन का है जो कि इस पर इम्प्रेगनेट किया हुआ है। तो इससे क्या करना है हमें कलर मैच करना है अच्छे से कि कौन सा कलर मैच करेगा तो क्या रिपोर्ट आएगा, जो कि ग्रीन टू ब्लू, सो ग्रीन टू ब्लू ये हमारा कलर आएगा। अगर डिपेंड करता है किस पे, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन जो कि हमारा स्पेसिमेन में जो कंसंट्रेशन होगा प्रोटीन का उस पे डिपेंड करेगा कि ये कलर कौन सा आएगा। जिस हिसाब से कंसंट्रेशन होगा प्रोटीन का उस हिसाब का इसमें कलर डेवलप करेगा, क्लियर। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा नोट, द नोट में क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे नोट, यही नोट है द स्ट्रिप शुड बी कंपेयर्ड विथ द कॉरस्पॉन्डिंग कलर चार्ट इन रिजर्वेबली गुड लाइट। क्या करना है हमें गुड लाइट, अच्छे लाइट में इसे क्या करना है कंपेयर करना है, इसे अच्छे से देखना है, ऐसा ना कि लाइट प्रॉपर ना हो और जिससे हमारा क्या होगा कि कलर सही से मैच ना करा पाएंगे, जिससे रिपोर्ट मेरा क्या होगा मिस होगा, गलत होगा, क्लियर। तो इसलिए इसे हमें अच्छे गुड लाइट में इसे कंपेयर कराना है और रिपोर्ट जो फाइंडिंग मिलेगा उस रिपोर्ट को क्या करना है नोट करना है और रिपोर्ट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आगे हम लोग जानेंगे अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। प्रोटीन जब आएगा यूरिन में तो इसके लिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट हमारा है डायबिटिक नेफ्रोसिस, एंड नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इस केस में क्या होगा हमारा जो है यूरिन में प्रोटीन आना होगा। एंड नेक्स्ट है मल्टीपल माइलोमा, इस केस में भी यूरिन में प्रोटीन आता है। एंड नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, एंड नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एंड नेक्स्ट फीवर, ये सब इसका क्या है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन टोटल, क्लियर। थैंक्स एवरीवन।